नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले डॉक्टर अमित गुप्ता ने एक केस करने वाले थे नीट 2019 के आंसर की है उसके खिलाफ। यहां पर उसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स है। तो यहां पर जो केस है जो आंसर की के खिलाफ हुआ है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डॉक्टर अमित गुप्ता ने दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मना कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं लेने वाला, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वह अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता ने वही किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में वह केस जो है होने वाला है। केस की हेयरिंग डेट मंडे 17 जून 2019 है, यानी कल इस केस की हेयरिंग होगी। जो भी अपडेट्स होगा वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेयरिंग जो कल ही होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली है, कोर्ट नंबर 47 है। इसके जो भी रिजल्ट होगा वह सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यह केस जो है डॉक्टर अमित गुप्ता ने हाई कोर्ट में किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट यह कहता है कि जो रिस्पेक्टिव आंसर की रिलीज़ हुई थी अगर वो गलत है तो हो सकता है एनटीए को वापस आंसर की रिलीज़ करनी पड़े और उसी के हिसाब से रिजल्ट भी वापस पब्लिश करनी पड़े। तो यह सभी डिसीजन जो होगा वह दिल्ली हाई कोर्ट के बेसिस पर होने वाला है। तो जो भी रिजल्ट होगा वह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।